हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने डीटी का एग्ज़ाम दिया उनको थोड़ा सा हम आज आपके साथ साथ इस वाले मतलब वीडियो में मतलब डीटी का ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे और उसका एक ब्रीफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हम थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। ऑल्दो मुझे पता है कि अभी आपका आईडीटी है, तो आपको अभी आईडीटी के आप अपने मतलब प्रिपरेशन में लगे होंगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा ना एक बार चैट में बता दें, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार मुझे चैट में थोड़ा सा रिप्लाई कर दें कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, मुझे पता है कि अभी आपका आईडीटी का पेपर रहता है, तो बस 10-12 मिनट और हम ना आपका पूरा का पूरा डीटी के मतलब पेपर का ब्रीफ सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो आपके साथ कवर कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देकर आए हैं वो थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा रहता है कि हमने जो आंसर किया वो क्या था या सही था या नहीं था, तो थोड़ा सा मैं आपसे समय लूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो एक बार मुझे बस ये बता दें। अच्छा अच्छा चले, तो यस सर, तो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी ऑडियो आप तक पहुंच रही है? क्या मतलब जो मैं बोल रहा हूँ क्या आप तक पहुंच रहा है? चलें, तो फिर मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम ना आपके साथ इस वाले वीडियो में डीटी का जो एग्ज़ाम हुआ शाम को 5 बजे, जो एग्ज़ाम जो खत्म हुआ, उसका हम आपके साथ एक ब्रीफ एनालिसिस देखेंगे। ज़्यादा समय, अगेन 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 सर, आप बार बार यही बोल रहे हो। चलें, तो फिर स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद करने दीजिएगा, देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको पेपर का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। ज़्यादातर बच्चों से जो फीडबैक आया था वो था पेपर वॉज एवरेज, क्योंकि पेपर मेरे पास शाम को 6:30 बजे के आसपास पहुँचा और बच्चों की फीडबैक 5 बजे से आना शुरू हो गए थे। तो बच्चों ने कहा सर पेपर वाज एवरेज, जो जब मैंने इस पेपर का एनालिसिस किया। सो अब डियर, एग्जैक्टली आपका पेपर कैसा हुआ ये मैं नहीं कह सकता, बट जैसे मैंने इस पेपर का एनालिसिस किया तो पास्ट के 4-5 अटेम्प्ट के मुकाबले कंपैरिजन में दिस पेपर वाज मच 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 मैनेजेबल। हम ये कह सकते हैं कि आईसी ने आपको दीपावली का गिफ्ट दिया है, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे। एनी हाउ, अब चूंकि अब पेपर अगर थोड़ा सा इजियर साइड में आता है डियर, तो उसकी मार्किंग थोड़ा सा हायर साइड, थोड़ा सा स्ट्रिक्टर साइड में होती है, बट एनी हाउ द पेपर वाज ओवरऑल एवरेज, तो पेपर अच्छा था, तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते थे। बट हाँ, एमसीक्यू में बच्चे कह रहे थे कि सर एमसीक्यू इज टाइम कंज्यूमिंग, तो चलें फिर एमसीक्यू हमारे पास है नहीं तो हम उसका भी आपके साथ एनालिसिस करते हैं। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डेट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर 14 मार्क्स। इसमें कोई मैट नहीं है, इसमें कोई एटीआर नहीं है, तो नॉर्मल आपको जो पीजीबीवी का एडजस्टमेंट करना वही आपको करना है यहाँ पे, ठीक बात है। अच्छा, तो थोड़ा सा हम इसके एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। देखेंगे मेजर्स डेंटल ब्रिज डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड टूथ ब्रश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुछ हो गया शायद, टूथ ब्रश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये क्या हुआ क्या ये? एक बार इसको फिर से ओपन करता हूं। चलिए एक बार फिर से मैंने इसको ओपन कर लिया, वो चूंकि लाइव स्ट्रीम मैं फ्रिक्वेंटली नहीं करता इसलिए थोड़ा सा मतलब टेक्निकल साइड में थोड़ा सा इशू हो गया। तो देखेंगे डियर, इसका ना मैं थोड़ा सा आपके साथ मेन में एडजस्टमेंट की बात कर लेता हूं। देखेंगे सबसे पहले मींस डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, ये तो एडबैक हो जाएगा। अच्छा, ग्रॉस लॉस ऑफ ₹25 लाख ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड मशीन बाय फायर इन द फैक्ट्री। तो अगर मशीन वगैरह, अगर आपकी फैक्ट्री में फायर वगैरह की वजह से अगर मशीन वगैरह अगर उसमें डिस्ट्रॉय हो गई, तो आप उसका लॉस को पीजीबीपी में आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो 780 जो आपको मिला है फ्रॉम द सेल ऑफ द मशीन, तो ये जो 7,80,000 रुपए है ये पीजीबीपी में क्रेडिट नहीं, मतलब पीजीबीपी में आप इसको क्रेडिट नहीं करेंगे। तो ये 7,80,000 यहां से आपको ऐड कर देना है और इसको आप WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट से माइनस कर देंगे, ताकि आपका डेप्रिसिएशन जो है वो फ्यूचर पीरियड का कम हो जाएगा। तो मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि ये जो लॉस जो आपने 25 लाख रुपए माइनस कर दिया इसको ऐड बैक कर दें, और 780 जो आपने अपने पीजीबीपी में क्रेडिट कर दिया इसको लेस कर दें, और ये 7,80,000 रुपए आपका जो एडजस्ट होगा वो WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट से एडजस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22 वाज कंप्लीटेड इन सितंबर विद अ टैक्स डिमांड ऑफ 570 व्हिच इंक्लूड सरचार्ज एंड सेस। तो आपको पता है डियर, अभी रीसेंट अमेंडमेंट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इनकम टैक्स लायबिलिटी प्लस सरचार्ज प्लस सेस, चूंकि ये सब कुछ असेसी की पर्सनल लायबिलिटी होती है, इसलिए किसी का भी डिडक्शन आप इसको बिजनेस से क्लेम नहीं कर सकते, तो ये सब कुछ एडबैक हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 570 आपको एडबैक करना है, इसमें सरचार्ज और सेस भी एडबैक हो जाएगा। अच्छा, पावर सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अमाउंटिंग टू ₹13 लाख। सो डियर, देखेंगे जो पावर सब्सिडी है डेट इज योर रेवेन्यू रिसीप्ट। तो पावर सब्सिडी तो खैर रेवेन्यू रिसीप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक यहाँ पे जो डाउट का पॉइंट है या एक जो एडजस्टमेंट का पॉइंट है वो ये है सर कि जो 13 लाख रुपए की जो पावर सब्सिडी है ये हम किस फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक बात यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, और वो बात क्या है कि ये जो पावर सब्सिडी है ये मतलब कंडीशन थी कि इट इज टू बी स्टिपुलेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22, बट ये सब्सिडी 22-23 में रिसीव हुई है
और इन्होंने इसको 21-22 की इनकम में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा ICDS 7 रेफर करना पड़ेगा, जो कहता है कि आप सब्सिडी को ना ड्यू बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आप जो है वो सब्सिडी को ड्यू या फिर एक्यूरल बेसिस पे भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। आपको दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। पहली कंडीशन ये है कि आप जो है जो सब्सिडी के कॉन्टेक्स्ट में जो भी मतलब कंडीशंस हैं आप उसको फुलफिल करेंगे, और दूसरा आपको ये अश्योरेंस है कि ग्रांट आपको रिसीव हो जाएगी। बट अगर आप सब्सिडी के अमाउंट को या अगर आप सब्सिडी की इनकम को ड्यू बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप उसको एक्चुअल रिसिप्ट से ज्यादा आप उसको मतलब डेफर नहीं कर सकते एज पर ICDS 7। तो ये जो 7, ये जो 12, तो ये जो 13 लाख रुपीज की जो मतलब सब्सिडी है इसको आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बाद आप इसको मतलब डिले नहीं कर सकते। तो ये 22-23 में आपकी इनकम बन जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको अपने पेंडल में क्रेडिट कर दिया, इसलिए फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ 7.5 लाख ऑन मार्जिन मनी डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर ऑब्टेनिंग बैंक गारंटी। बैंक गारंटी का जो इंटरेस्ट होता है मतलब इंटरेस्ट जो होता है एडियर वो अदर सोर्सेस में भी जाता है और पीजीबीपी में भी जा सकता है। अब सवाल बनता है कि अदर सोर्सेस में जाएगा या पीजीबीपी में, इसके लिए केस लॉ है। उस केस लॉ का नाम है CID vs KN Company दिल्ली हाईकोर्ट, ठीक बात है। तो KN कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट का केस लॉ है, जिसमें कहा गया था कि चूंकि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया था डेट मनी वॉज डिपॉजिटेड और द मनी वॉज डिपॉजिटेड विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द बिजनेस पर्पस ऑफ द SSC, तो यहां पे जो इंटरेस्ट आएगा ये आपकी पीजीबीपी की इनकम है, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, परचेस प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर द पर्पस ऑफ इनहाउस R&D। तो अगर आपने इनहाउस R&D किया उसके लिए आप जो है रॉ मटेरियल के खर्चे को आप क्लेम कर सकते हैं, पूरे के पूरे 14 लाख रुपीज आपको अलाउड हो जाएगा। ये है सेक्शन 35(1)(1) में, और आप 35(2)(ab) में भी इसको क्लेम कर सकते हैं, पर 35(1)(1) में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाता है। अच्छा, तो चूंकि आपने ऑलरेडी 14 लाख रुपीस क्लेम कर लिया तो कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं होगी। अच्छा, ब्रिज डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड पेड रुपीस 12 लाख टू JPA इंक चाइना फॉर ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। इसमें इक्विलाइजेशन भी आपको काट के सरकार को अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर उसका भारत में कोई PE नहीं है, इसलिए इक्विलाइजेशन भी काट के आपको सरकार को जमा करनी थी जो आपने नहीं किया, इसलिए ये जो अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं 12 लाख रुपए आपको डिडक्शन की तरह से अलाउड नहीं होगा। इसके लिए रेफरेंस कौन सा है, सेक्शन 40A 1B। अच्छा, 40A 1B कहता है कि आपको ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि आपने टाइम सिक्योलाइजेशन भी काट के अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ITR आपने उसको सरकार को जमा नहीं कराया। चलें आगे आते हैं, देखेंगे डिविडेंड ऑफ 2,50,750 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी इन विच ब्रिज डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स 28% इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो अगर आप किसी फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर ओन करते हैं तो वो कंसेशनल 15% के रेट पर टैक्स हुआ करता था। फाइनेंस एक्ट 2022 ने इसको अमेंड कर दिया था, बट चूंकि ये मतलब डिविडेंड की इनकम है इसलिए आपके अदर सोर्सेस में जाएगा, तो आपका ये पीजीपीपी की इनकम का पार्ट नहीं है। इट वुड गो इन योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक बात है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि आपने इस डिविडेंड को अर्न करने के लिए 15,000 रुपए आपने इनकर किया है, और ये जो 15,000 रुपए ये अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट है। तो आपको पता है इंटरेस्ट पेमेंट 20% तक अलाउड होता है, बट अगर आपने पेमेंट किया विच इज अदर देन इंटरेस्ट वो भी अलाउड हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, और आपने इस एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूसिवली किया है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द डिविडेंड इनकम, इसलिए सेक्शन 57 उसको अलाउ कर देगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ 20 लाख रुपए रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 विच इज सेटल्ड बाय इशूइंग 8% डिबेंचर्स। तो सेक्शन 43 भी आ गया, और आपको पता है रिसेंटली 43 भी अमेंड भी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर आप उसको डिबेंचर के इशू के थ्रू अगर आप उसको मतलब सेटल कर रहे हैं तो आपने अल्टीमेटली अपनी लाइबिलिटी को डेफर कर दिया है, तो जब आप उसके एक्चुअल पेमेंट करेंगे तभी वो आपको अलाउड होगा, तो ये 20 लाख रुपए एड बैक हो जाएगा, ठीक बात है। और ये जो 2,50,750 का जो मतलब डिविडेंड इनकम है इसको आपको कंसिडर करना है अदर सोर्सेस में, और ये जो 15,000 रुपए आप उसको अदर सोर्सेस में एडजस्ट कर देंगे, आप उसको पीजीपीपी में कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स सेक्शन, न्यू एयर कंप्रेसर मशीन नेसेसरी फॉर इंस्टॉलिंग द मेन प्लांट इन मशीन एज पर द गाइडलाइन वॉज परचेज। तो इस पर 15% का डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, और चूंकि हमारी जो कंपनी है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अनदर न्यू स्पेसिफाइड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इसको इन्होंने 23,45,000 रुपए में खरीदा था, इस पे 40% प्लस 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि पुट टू यूज जो है वो आपका मतलब कंडीशन को फुलफिल करता है। अच्छा, इसके बाद आइटम्स परचेस्ड आफ्टर 30th अक्टूबर 2022, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुट टू यूज की कंडीशन जो है वो 180 डेज वाली फुलफिल नहीं हो रही। तो लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू सेल्स डिपोर्ट, ये 15% पे, और चूंकि ये रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल इसलिए इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा,
मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, यह है 1,60,00,000 रुपए का, बट आपने इसको पुट्टी यूज नहीं किया, आपने इसको प्रीवियस ईयर 22-23 में पुट्टी यूज नहीं किया, इसलिए इसका कोई इस पे आपको फिलहाल कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। प्रीवियस ईयर 22-23 में इस वाले मशीन पे आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, ठीक। अच्छा, ये हो गया, तो फिर क्वेश्चन नंबर वन हो गया। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं। एग्रो फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इट हैज बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि इसमें आपको मैट पूछा गया है, तो मैट जो है डियर ये ना बहुत सालों के बाद, मतलब कई अटेम्प्ट के बाद हमारे एग्जाम में आया है, अदरवाइज मैट के क्वेश्चन यूजली एग्जाम में नहीं आ रहे थे, तो चले इस बार मैट आया। अच्छा, तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा देख लेंगे इस पे, जो इन्होंने जो प्रॉफिट जो कंप्यूट किया है ये है 89,00,000 रुपीज, आपको जो है ये बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना है इसमें, तो इसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एज पर दी मैट प्रोविजंस। अच्छा, तो देखेंगे डियर, इस वाले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको छोटी सी बात ये बता दूं कि मैट के लिए जो आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं उसमें बस आप वही एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली एक्ट में मेंशन है। अगर कोई एडजस्टमेंट एक्ट में मेंशन नहीं है, जो अगर कोई एडजस्टमेंट एक्ट में मेंशन नहीं है, आप उसको अलग से उसको कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक बात है। अच्छा, एक और मतलब छोटी सी बात, सेक्शन 10AA और साथ में सेक्शन 80IA की जो इनकम होती है उस पर मैट लगता है, तो चूंकि उस पर मैट लगता है इसलिए उसके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो भी आपको अलाउड होंगे, ठीक है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे जो हमारा जो प्रॉफिट है वो है 89 लाख, इसे हमें बुक प्रॉफिट की तरफ जाना है, तो बुक प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, 10AA की इनकम पे मैट लगता है, तो इसका मतलब अगर इनकम पे मैट लगता है तो उसका एक्सपेंडिचर भी अलाउड होगा, और आपने एक्सपेंडिचर ऑलरेडी क्लेम कर लिया तो हम इसको एडबैक नहीं करेंगे, तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये हम एडबैक नहीं करने वाले। डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर अंडर कंपनीज एक्ट, तो साहब डेप्रिसिएशन हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट को कंसिडर नहीं करते, क्वेश्चन में आगे रिवॉल्यूशन की कोई बात नहीं लिखी हुई, इसलिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने ITR तक आपने ड्यू डेट तक आपने पे नहीं किया, सेक्शन 43 भी मैट के लिए अप्लाई नहीं करता, तो यहाँ पे इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पेनल्टी फॉर इन्फ्रेक्शन ऑफ लॉ, अगेन ये मैट के लिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए एडबैक नहीं होगा, प्रपोज डिविडेंड एडबैक हो जाएगा, तो 89 के बाद 3.5 एडबैक हो गया, और साथ में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एडबैक हो जाएगा, 2.75 एडबैक हो गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर आप GR में ट्रांसफर करते हैं मैट के कंप्यूटेशन के लिए जो बुक प्रॉफिट आता है उसके लिए एडबैक हो जाएगा। अच्छा, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सेक्शन 80IA अंडरटेकिंग, 80IA अंडरटेकिंग की जो इनकम होती है उस पर मैट देना पड़ता है, तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपको अलाउड होगा, तो अगेन इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी ट्रीटमेंट। आगे बढ़ते हैं, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व्स क्रिएटेड ड्यूरिंग 1920, तो अगर आपने कोई पैसा विड्रॉ किया है किसी रिजर्व से, बट अगर आपने जिस फाइनेंशियल में उस रिजर्व को क्रिएट किया था, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बुक प्रॉफिट वॉज नॉट इंक्रीज बाय द अमाउंट ट्रांसफर टू सच रिजर्व, क्योंकि बुक प्रॉफिट आपका उस समय इंक्रीज नहीं हुआ था डियर, इसलिए फिलहाल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कवर, तो इसमें मैट आपको देना पड़ेगा, ATIA वाले भी मैट देना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट आपका माइनस हो जाएगा, तो 3.75 इसमें हम माइनस कर देंगे, इस पर आपको ये बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनता। आगे आते हैं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या फिर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उन दोनों में से जो भी कम होगा सिर्फ हम वो माइनस कर सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स 8.75, इनकम टैक्स रूल्स ये हटा दें और इनकम टैक्स रूल्स ये भी हटा दें, और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ये भी काम का नहीं है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, तो अगर आप देखेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस है वो है आपका 8.75, पर जो ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है डेट इज निल, तो हम दोनों में से कम तो आपका निल हो गया, तो हम निल यहां से माइनस कर देंगे, मतलब यहां से हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, तो आपका जो मैट के लिए जो आपका बुक प्रॉफिट बनेगा डेट वुड बी 96.68। अच्छा, कुछ बच्चे कह भी रहे थे सर हमारा ये आंसर है, तो ये आपका आंसर जो है वो आना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू का बी का वन, मेजर्स XY एयरलाइंस इंक इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड ऐसा कंपनी इन USA, तो अगर एक नॉन रेजिडेंट कंपनी एयरलाइंस का काम करती है तो वहां पे मैंडेटरी सेक्शन 44AA अप्लाई करता है, तो यहाँ पे सेक्शन 44AA मैंडेटरी अप्लाई करता है, और सेक्शन 44AA कहता है कि आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन इंडिया से करते हैं ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, इसके लिए आपको भले पेमेंट कहीं से भी मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिया में आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसके लिए जो भी आपको इनकम भारत में रिसीव होती है, या फिर अगर आपको कोई भी इनकम भारत में डीम टू भी रिसीव होती है, वो भी आपके इंडिया की इनकम का पार्ट बन जाएगा सेक्शन 44AA के हिसाब से, ठीक बात है। अच्छा,
तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मेजर्स एक्स वाई एयरलाइंस इन कलेक्टेड रुपीज 90 लाख फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब दिल्ली से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से दिल्ली, तो इसका मतलब दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना, तो एक तो आपका ट्रैवल हुआ होगा फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क। तो इसके लिए जो आप, चूंकि आपने 90 लाख रुपीज कलेक्ट किया है राउंड ट्रिप के लिए, तो एक ट्रिप के लिए 45 लाख रुपये बना होगा। इसी तरीके से न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली के लिए भी 45 लाख रुपये बना होगा। ठीक बात है सर। अच्छा, दिल्ली से न्यूयॉर्क, तो इसका मतलब पैसेंजर और गुड्स जो है वो दिल्ली से, मतलब भारत से, भारत के बाहर जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा 45 लाख रुपए आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको पैसा कहीं भी रिसीव हो। तो पूरा का पूरा 45 लाख रुपए हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा सेक्शन 44BA के हिसाब से। अच्छा, और इसके बाद जो न्यूयॉर्क से लेके दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें से 40 लाख रुपए जो है वो न्यूयॉर्क में रिसीव हुए। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि 40 लाख चूंकि न्यूयॉर्क में रिसीव हुए, तो 5 लाख रुपए आपने भारत में रिसीव या फिर डिम टू रिसीव किए होंगे। तो सर, क्या ये अजम्पशन देनी जरूरी है? अगर आप अजम्पशन ये मान लेते हैं तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आप अदरवाइज एग्जाम में नोट देके लिख भी सकते थे सर कि हम अज्यूम नहीं करते, बट हाँ अगर आप अज्यूम करते हैं दैट इज अ मोर रैशनल। अच्छा, तो ये 50 लाख रुपए बनता है। इसके बाद अगला जो ट्रिप हुआ है वो हुआ है आपका मुंबई से न्यूयॉर्क। तो एक ट्रिप हुआ होगा आपका मुंबई से न्यूयॉर्क और राउंड ट्रिप है, तो दूसरा ट्रिप हुआ होगा न्यूयॉर्क से मुंबई। तो मुंबई से न्यूयॉर्क में आपने 70 लाख राउंड ट्रिप के लिए कलेक्ट किए, मतलब 35 लाख और 35 लाख। तो जो 35 लाख रुपए, तो आपका पूरा का पूरा ही भारत में लेवल टू टैक्स होगा, क्योंकि जो पैसेंजर या फिर जो गुड्स है वो भारत से भारत के बाहर जा रही है। और अगर आप न्यूयॉर्क से मुंबई देखेंगे तो उसमें से 30 लाख रुपए आपने न्यूयॉर्क में रिसीव किए, तो सेम जो हमने अजम्पशन पहले लगाई थी वो अब लगा देते हैं। तो 5 लाख रुपए आपने भारत में रिसीव किएंगे, मतलब 40 लाख रुपए। इसका मतलब 90 लाख रुपीज आपकी सेक्शन 44BA के हिसाब से बन गया, उसका 5% आपकी इनकम बन जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आदि नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो NRI। तो साहब जैसे NRI आता है हमारे दिमाग में चैप्टर 12 का एप्लीकेशन आना चाहिए। सब्सक्राइब अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो इसका मतलब ये आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपका स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट बनता है, तो इसमें चैप्टर 12A जो है वो अप्लाई कर जाएगा। फॉर ₹6 लाख दिस शेयर्स वेयर सोल्ड बाय हिम फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 9 लाख। तो देखेंगे सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। पीरियड ऑफ होल्डिंग है सर 8-9 से कब तक, 5-3-23 तक, मतलब लॉन्ग टर्म। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, 9 लाख रुपए, मतलब आपने 9 लाख रुपए का ये शेयर सेल कर दिया, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 15,000 रुपए। तो इसका मतलब नेट कंसिडरेशन है 8.85। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया 6 लाख रुपए। तो सर क्या इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होगा? इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होगा क्योंकि आपने चैप्टर 12A ऑप्ट कर लिया। बट सर यहाँ क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने 12A ऑप्ट किया, लिखा हुआ तो नहीं है डियर, बट क्वेश्चन में जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उसके हिसाब से हम ये मानना पड़ेगा कि ICICI आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो है वो 12 चैप्टर 12A का एप्लीकेशन इसके आंसर में करें। बट सर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो सर ये तो अजीब सी अजम्पशन है, आप चाहें तो आप अदरवाइज भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है वो स्पेशल प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 12A के लिए ऑप्ट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसे हिंट दिए हुए हैं, बट आप चाहें तो आप अज्यूम कर भी सकते हैं। अगर आप अज्यूम नहीं करते डियर, तो आप अपने लिए ही एग्जाम के सिचुएशन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। सो इट वॉज बेटर कि आपने अज्यूम कर लिया। अच्छा, तो 2.85 इसमें से साथ में आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 115F में। बट चूंकि आपने जो अमाउंट रीइन्वेस्ट किया है वो आपने अमाउंट रीइन्वेस्ट कितना किया है 3.50, जबकि आपका जो नेट कंसिडरेशन है डेट इज 8,85,000, तो आपको प्रपोर्शनेट यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। तो प्रपोर्शनेट डिडक्शन आपका कितना बनेगा सर? हमारा कैप गेन कितना था? आपका कैप गेन था, अच्छा कैपिटल गेन का अमाउंट आपका कितना था सर? हमारा कैपिटल गेन का अमाउंट था 2.85। 2.85 इंटू हमने इन्वेस्ट कितना किया 3.50 डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन 8.85, तो ये बनता है सर जी 112712 समथिंग। तो देख लेंगे, आप भी कैलकुलेट कर लेंगे, 285 माइनस 112712, तो जो आपका जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैप गेन है वो बनता है 172228। आप इसको राउंड ऑफ कर दें। अच्छा, तो अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि तो आप जो है आप सेक्शन 115F आप उसको आपको अलाउ हो जाएगा और 1,12,712 रुपये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट 6 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। तो अगर आप देखेंगे तो आपने जो शेयर्स जो है वो सेल किया था 5/3/2023 को, और आपने जो इन्वेस्ट किया वो आपने बिफोर 31 मार्च 2023 कर दिया, मतलब 20-25 दिनों के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने सेक्शन 115F की कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया। अच्छा, चैरिटेबल ट्रस्ट इस बार जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ईजी आ गया
गया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना इजी आएगा, बट चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे आईसीआई ने चैरिटेबल ट्रस्ट से आपके कुछ बेसिक प्रोविजंस को ही टेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ हाईफाई नहीं पूछा गया था। तो देखेंगे, द इंस्टीट्यूशन फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड हैज इनकर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ 1 लाख। तो आप चूंकि मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग भी फॉलो करते हैं, बट जो भी एक्सपेंसेस है आपको वो ड्यू बेसिस पर अलाउड नहीं होंगे, आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउड होंगी। तो जब आप पे करेंगे आप तभी उसको क्लेम कर सकते हैं। तो आपने इसको 22-23 में पे नहीं किया, 23-24 में अपने पे किया, तो 23-24 का ये एप्लीकेशन बन जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और अगर आप सेक्शन 11-12 के एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन 10 के अदर एग्जेम्पशंस अलाउ नहीं होते एक्सेप्ट सेक्शन 10(1), मतलब एग्रीकल्चर इनकम वगैरह मिल जाता है, इसके अलावा भी कुछ मिल जाता है, एग्रीकल्चर इनकम आपको मिल जाता है। तो आपका जो सेक्शन 10(1) में ये जो 12 लाख रुपए है आपका एग्रीकल्चर इनकम की तरह से वहां पे एग्जेम्प्ट हो गया सेक्शन 10(1) में। ठीक बात है। अच्छा हाँ, मतलब 12 लाख रुपए आपको फर्दर अप्लाई नहीं करना, आप 10(1) क्लेम कर सकते। अच्छा, तो हमारा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है इन्होंने रेंटल इनकम अर्न किया है 3 लाख रुपए। तो जो रेंटल इनकम है साहब, इट इज ऑल्सो द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। तो ये जो रेंटल इनकम है ये भी प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का ही पार्ट है, क्योंकि प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट से जो इनकम होती है डेट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, तो इसमें से 3 लाख रुपए में से इन्होंने 2 लाख रुपए रिसीव किया है अप टू 31 दिसंबर 2022, और बाकी पैसा इन्होंने रिसीव किया 31 जुलाई 2023। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 11(1) लग जाता है, जो कहता है कि अगर आपने कोई पैसा रिसीव ही नहीं किया तो उस पैसे को आप अप्लाई कर सकते हैं कब, जिस प्रीवियस ईयर में आप उस पैसे को रिसीव करते हैं, साथ में उसके 1 साल हो। तो आपने ये जो बाकी 1 लाख रुपए ये आपने रिसीव किया है प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो 23-24 + 24-25, तो आप जो है वो इसको कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 31 दिन 2025 तक। इसके लिए आपको कुछ ऑप्शन वगैरह एक्सरसाइज करना पड़ता है, और यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूशन हैज एक्सरसाइज द रेलेवेंट ऑप्शन इन दिस रिगार्ड। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुक्ति फाउंडेशन बोरोड 45 लाख रुपए। तो अगर आप बोरिंग वगैरह के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, तो जितना पैसा आप रीपे करेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उतना ही आपको एप्लीकेशन की तरह से कंसिडर किया जाता है। तो आपने यहाँ पे 6 लाख रुपए रीपे किया है, तो सिर्फ 6 लाख रुपए का एप्लीकेशन अलाउड होगा, 45 लाख रुपए का नहीं होगा। सो डेट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर B2 का भी यहाँ पे DTA का मतलब DTAA का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, तो चले एग्जैक्टली आपने एग्जाम में क्या किया वो एक अलग बात है, पर थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो देखेंगे, श्रीमती मनीषा इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फर्निशेज यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। अच्छा, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी एट दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली में अगर आपको प्रॉपर्टी लेट आउट करने से लॉस हुआ है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जो इंटरेस्ट होता है वो तो आप किसी भी एक्सटेंट तक क्लेम कर सकते हैं, बट अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही लॉस आ जाए तो वो बाकी हेड से सेट ऑफ हो सकता है मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक सेक्शन 70 भी। अच्छा, आप उसको किसी भी मतलब हेड से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया एंड बिजनेस इनकम इन कंट्री है, तो हम चलिए फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 899,500 आपकी इंडिया की इनकम है। अच्छा, 8 लाख रुपए आपकी कंट्री ए की इनकम है। FD इंटरेस्ट इन कंट्री ए $8,000, और यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि सारे के सारे कैलकुलेशन के लिए आपको जो है वो 82 रुपए कंसिडर करना है। तो ये $8,000 को अगर मैं 82 में कंसिडर करूँ तो ये बनता है 656। अच्छा, FD हो गया। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट इन इंडिया फ्रॉम PNB, ये बनता है 50,500। कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF अकाउंट, तो ये आप ATC क्लेम कर सकते हैं इसके लिए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर मैरिड सन, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सन या मतलब आपको अपने खुद के नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे, अपने मतलब चिल्ड्रन के नाम पे आप पैसा जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन PPF, तो इंटरेस्ट ऑन PPF आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है सेक्शन 10(11) है शायद। एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एम, तो कंट्री एम में भले वो मतलब कंट्री एम से एग्रीकल्चर हो तो आप इंडिया में उसको लायबल टू टैक्स होगा, तो ये 1,20,000 इंडिया में लायबल टू टैक्स, और ये 2 लाख रुपए का आपका सेट ऑफ हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अच्छा, तो फिर से देख लें, तो ये 2 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। ये इनकम है 8 लाख रुपए इनकम है, 8,000 × 82 ये आपकी इनकम बन गई 656। 50,500 की आपकी इनकम है, और ये ATC मिल जाएगा, माइनस कर दें ATC 150। और आपका ना सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है, और आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो आप 50,000 रुपए तक ATTTB में क्लेम कर सकती है, मतलब कर सकते हैं 50,000 रुपए। ठीक बात है। अच्छा, तो सर FD को आपने क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हमारे पास सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है, सो इट इज सेफर टू कंसिडर ATTTB डिडक्शन फॉर द सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम PNB बैंक। ठीक है। अच्छा, तो हमारी जो टोटल इनकम बनती है वो टोटल इनकम कुछ और इस तरीके से बनती है, देख लें, 899,500 माइनस 2 लाख कर दें, प्लस 8 लाख प्लस 656 प्लस 50,500 प्लस 120 माइनस 2 लाख। अच्छा,
ये बनती है 21,26,000 समथिंग। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ना दो अलग अलग देशों से आप पैसा कमा रहे हैं, एक आप कमा रहे हैं कंट्री ए से और एक आप कमा रहे हैं कंट्री एम से, बट जो कंट्री एम में जो इनकम है ना एग्रीकल्चर की वो एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री एम में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा, मीन्स कंट्री एम में आपकी कोई भी डब्ल्यू टैक्स इनकम नहीं है, इसलिए कंट्री एम के कॉन्टेक्स्ट में आपको किसी भी तरह का सेक्शन 91 का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। तो जो भी आपको डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री ए के इनकम के कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा, ठीक है। तो जो भी हम देख लेते हैं, तो फिर हम देख लेते हैं कि आपका, और चूंकि हमारे बीच में कोई DTAA नहीं है, तो सेक्शन 91 का आपका डिडक्शन कितना मिलेगा, तो लोअर ऑफ इंडियन टैक्स रेट एज वेल एज द टैक्स रेट ऑफ कंट्री ए, और कंट्री ए का जो टैक्स रेट है वो 25% है। इंडियन टैक्स रेट देख लेते हैं, 21,26,000 रुपए माइनस 10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,10,000 प्लस 4%, ये बनता है 465,712 डिवाइडेड बाय 2,126। तो ये बनता है साहब, ये इंडियन टैक्स रेट बनता है समथिंग 21.9%। और अगर आप देखें कंट्री ए का टैक्स रेट वो 25% है, तो लोअर हो गया हमारा 21.9%। उस लोअर में से आप जो है वो 8 लाख रुपए प्लस ये $8,000 बोले तो 656,000 रुपए का आप जो है वो सेक्शन 91 का डिडक्शन दे देंगे। कंट्री एम के इनकम में किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इनकम वॉज नॉट अ डबली टैक्सड इनकम, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4A, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस टीसीएस। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर रॉन टुक अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। तो इन्होंने अपने चिल्ड्रन के मतलब अपने सन के फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन लिया, बट अपने एम्प्लॉयर से लिया, और जो एम्प्लॉयर इनका कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको 0.5% का जो कंसेशनल रेट होता है साहब वो अप्लाई नहीं करेगा, 7 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। तो आपने जो है वो रेमिट कितना किया, 8.75, इसमें से 1.75 का 5% बन गया, और साथ में आपने रेमिट किया 4.75। तो चूंकि 7 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है और वो सेम ही आपने ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू रेमिट किया है, तो 4.75 का पूरा 5%, ठीक बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मिस्टर मनदीप सिंह अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल गुड्स हैज अ टर्नओवर ऑफ 12 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब टर्नओवर इनका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो इसका मतलब टीडीएस के वो सेक्शंस जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स पे अप्लाई करते हैं या ऐसे एचयूएफ पे अप्लाई करते हैं जिनका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, वो यहां पे क्वालिफाई हो गया, तो इनको वो भी टीडीएस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इन्होंने ने एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया फॉर इस पर्सनल यूज फॉर 5 करोड़ रुपए। तो अगर आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं तो आपको पेयर को पे करते समय सेक्शन 194 IA के हिसाब से 1% के रेट से आपको टीडीएस करना है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% अंडर सेक्शन 194 IA, ठीक बात है। अच्छा और इसके बाद दूसरा जो आपका बच गया वो बच गया, आप जो ब्रोकरेज पे कर रहे हैं टू मिस्टर पंकज। तो आप जो ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, आप ब्रोकरेज कितना पे कर रहे हैं, अच्छा मिस्टर पंकज को जो आप ब्रोकरेज पे कर रहे हैं वो 12% पे कर रहे हैं, तो 5 करोड़ रुपए का हाउस है उसका 12% बोले तो 60 लाख रुपए, तो 15,000 से ज्यादा है, तो 195 H के हिसाब से आपको 5% के रेट से TDS करना पड़ेगा। और हाँ, ये TDS उन्हीं इंडिविजुअल्स को करना पड़ता है जिनके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और चूंकि आपका टर्नओवर यहाँ पे 12 करोड़ रुपए का, तो आपको यहाँ पे मिस्टर पंकज को जब आप अमाउंट पे करेंगे ब्रोकरेज का, तो 194H के हिसाब से आपको TDS करना पड़ेगा। अच्छा जल्दी से आगे आते हैं, देखेंगे एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। आपका टाइम पास नहीं करते, ये केस लॉ है जो कि इन्होंने केस लॉ उठा लिया। केस लॉ का नाम है यूको बैंक वर्सेस DCIT। तो हमने डियर आपके साथ ने केस लॉ की बुक भी शेयर की हुई थी, और हमने ना केस लॉ के वीडियोस भी अपलोड किए हुए थे, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा भी था। सो दैट वाज अ सिंपल केस लॉ, तो यहाँ पे ये केस लॉ लग जाएगा। अच्छा ये हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। इस बार ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन जो है, हाँ पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि ICAI ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ALP नहीं पूछता, ALP के अलावा जो है वो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी पूछता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो है अपने एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या हम एसोसिएट एंटरप्राइज है भी या नहीं। तो पारस लिमिटेड की एक इंडियन कंपनी है, इन्होंने इनकी जो टोटल बोरिंग है वो 60 करोड़ रुपए, इन्होंने एक जर्मन कंपनी SHQ से ट्रांजेक्शन किया, वो जो मतलब जर्मन कंपनी है, जर्मन कंपनी ने इनको अगर आप देखेंगे हैज रिसीव्ड अ गारंटी फॉर अवेलिंग अ कैश क्रेडिट। तो इन्होंने जो मतलब जर्मन कंपनी ने 9 करोड़ रुपए के कैश क्रेडिट को गारंटी किया है, मतलब 10% ऑफ द बोरिंग से ज्यादा। तो इसकी वजह से ये दोनों आपस में डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज हैं, इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन जाएगा, जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई करने शुरू कर जाएंगे, ठीक बात है। अच्छा अब हो गया आपका टाइम पास नहीं करते, पारस ने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे ना पारस ने SHQ को गुड्स सेल किया, मतलब ब्लैंकेट वगैरह सेल किया, और उसका रेट था 2,000 रुपए पर ब्लैंकेट, बट पारस
पारस जो है बाकी जर्मन कंपनीज को वही ब्लैंकेट 2100 रुपए में सेल करता है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो पारस ने 2000 रुपए के रेट से ब्लैंकेट सेल किया SHQ को, और बाकी जर्मन कंपनीज को वो ब्लैंकेट 2100 रुपए के रेट से सेल करता है। साथ में पारस ने SHQ को, जो कि उसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है, जो ब्लैंकेट सेल किया उसमें इन्होंने 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया। देखेंगे वेयर इज द SHQ, द क्रेडिट पीरियड वॉज 3 मंथ्स, जबकि बाकियों को ये जो क्रेडिट पीरियड देते हैं वो 1 मंथ का देते हैं, और इन्होंने तो इसका मतलब 2 महीने का इन्होंने क्रेडिट पीरियड ज्यादा दिया, जो कि SHQ के लिए था, बाकियों के लिए नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये क्रेडिट पीरियड बाकियों को भी एक्सटेंड करते तो आप उनसे 2 महीने के लिए जो आपका कैपिटल कॉस्ट होता वो भी आप रिकवर करते। तो कैपिटल कॉस्ट कितना है, 12% पर एनम, और जो है वो थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब 2100 रुपए इंटू 12% इंटू 2/12 बनता है समथिंग। अच्छा, तो ये कैपिटल कॉस्ट का एडजस्टमेंट कितना बनता है, ये 42 रुपए बनता है। अच्छा, तुम्हारा ELP कितना बना, 2142। तुम्हारा ELP बनता है 2142, मतलब 2142 रुपीस का, मतलब 2142 रुपए का प्रोडक्ट आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को 2100 रुपए का सेल कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ELP का एडजस्टमेंट कितना होगा, 2142 माइनस 2100, तो सर ये तो 500000 ब्लैंकेट के लिए है, इंटू 5 लाख, मतलब कितना बना, 2142 माइनस, अच्छा 2000 का सेल कर दिया, 142 इंटू 5 लाख, तो ये 7 करोड़ 10 लाख रुपए समथिंग बनता है। अच्छा, तो इससे इनकी इनकम एनहांस हो जाएगी। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या पारस और SHQ आपस में एसोसिएटेड है। हाँ सर, क्योंकि 10% या मोर से ज्यादा की जो है वो गारंटी की गई है। इफ यस कंप्यूट द ELP, हमने ELP कंप्यूट कर दिया और आगे लिखा हुआ, एज्यूम द अबव एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग हैज मेड Suomoto बाय पारस, तो पारस ने Suomoto ये एडजस्टमेंट कर दिया, तो आपको जो है वो रिपेट्रिएशन करना पड़ेगा विद इन 90 डेज ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR। तो इसमें आपको एक्सेस मनी कब तक रिपेट्रिएट करना है, विद इन 90 डेज ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR, और अगर आप एक्सेस मनी को रिपेट्रिएट नहीं करते तो फिर वो डिम्ड लोन मान लिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली उस डिम्ड लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो कि आपके हैंड पर टैक्स किया जाएगा हर साल, जब तक कि आप वो रिपेट्रिएशन नहीं करते या आप एडिशनल इनकम टैक्स पे नहीं कर देते। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5A। तो इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आंसर करने, ज्यादातर बच्चों ने कहा कि सर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आंसर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है डियर, ये केस लॉ है जिसका नाम है CIT वर्सेस ट्राइम्प। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं, CIT वर्सेस ट्राइम्प इंटरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड, ठीक बात है, 2012 का केस लॉ है बॉम्बे हाईकोर्ट का। ठीक है, तो ये केस लॉ आपको मिलेगा सेक्शन 269 सीरीज के जो मतलब प्रोविजंस हैं, 269 SS ST वगैरह, वहां पे ये केस लॉ है। तो डियर मैंने आपसे बार बार कहा था कि केस लॉ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, तो ये केस लॉ वहां से इन्होंने उठाया था। हाँ, ये केस लॉ थोड़ा सा मतलब पुराना है, और मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ICAI जो है वो इतना पुराना केस लॉ पूछेगा, बट हाँ जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस लिए हैं डियर, वो केस लॉ हमने यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, और इवन हमने क्या मेंशन करके दिया हुआ, ICAI के स्टडी मैट में भी। ठीक बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सारे बच्चों ने किया, तो ये तो खैर रीसेंट केस लॉ था विप्रो फाइनेंस का, तो विप्रो फाइनेंस का केस लॉ था। तो हमने ना आपके साथ जो 50+15 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ वाली बुक शेयर की थी उसमें भी ये केस लॉ दिया था। ICAI का रीसेंट जो जुडिशियल अपडेट था उसमें भी केस लॉ आया था। बट डियर केस लॉस के लिए जरूरी है कि आप उसको लिखते कैसे हैं, मीन्स यूनिट द राइटिंग प्रैक्टिस। एनी हाउ, फिर जल्दी से आगे आते हैं 5B में। ABC Inc. का कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन USA ओन सम एंड मैनेजेस अ वेबसाइट विच एक्ट्स एज अ मार्केटप्लेस, मतलब आप एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर बन गए, फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड ऑल्सो होल्ड्स एडवर्टाइजमेंट। इनकी भारत में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इक्वलाइजेशन लेवी की तरफ ये क्वेश्चन जा रहा है। देखेंगे, रघु लिमिटेड डोमेस्टिक इंडियन कंपनी, इन्होंने 3 लाख रुपए पे किया है फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट। तो सेक्शन 165 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 के हिसाब से आपको 6% का इक्वलाइजेशन लेवी काट के सरकार को जमा करना पड़ेगा, और ड्यू डेट ऑफ द डिपॉजिट क्या है, सेक्शन 166 के हिसाब से 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो आपने जो इक्वलाइजेशन लेवी काट, आपने जो रेमिटेंस किया है वो आपने जो पेमेंट किया वो आपने 30/6/2022 को किया, इसी ने इक्वलाइजेशन लेवी काट के 7 जुलाई 2022 तक आपको ये पैसा इक्वलाइजेशन लेवी का सरकार को जमा करना पड़ेगा। तो ये 3 लाख रुपए का 6% बोले तो 18,000 रुपए का इक्वलाइजेशन लेवी आपको काट के सरकार को जमा करना चाहिए था। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं, रघु लिमिटेड रेमिटेड द इक्वलाइजेशन लेवी ऑन 23/3/2023। रघु ने ये इक्वलाइजेशन लेवी सरकार को 23/3/2023 को रेमिट कर दिया, तो इसका मतलब रेमिटेंस हो गई है। ठीक बात है। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट राहुल लिमिटेड ऑल्सो टुक द सर्विसेज ऑफ LFM इंक यूके बेस्ड कंपनी हु हैज अ पीई इन इंडिया। तो चूंकि पीई इन इंडिया है तो यहाँ पे इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा क्योंकि भारत में पीई है और जो सर्विसेज हैं वो इफेक्टिवली कनेक्टेड है उस पीई के। तो देखेंगे इन्होंने 4,50,000 रुपए LMF को पे किया तो यहाँ पे इक्विलाइजेशन लेवी तो नहीं लगेगा, पर अगर किसी नॉन रेसिडेंट का भारत में पी है तो वो जो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है वो भी साहब नॉन रेसिडेंट ही है। तो जब आप ये 4,50 पे करेंगे आपको यहाँ पे 195 के हिसाब से TDS करना पड़ेगा। अगर आप 195 का TDS नहीं करते तो 40A1 लग के ये 100% आपका डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब ये 4,50,000 रुपये आपका डिसअलाउ हो जाएगा, आपको इसका बिजनेस एक्सपेंडिचर में आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। ठीक बात है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ इक्विलाइजेशन लेवी अलॉन्ग विद इट्स ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशंस ऑन रघु लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो ध्यान दीजिएगा इक्विलाइजेशन लेवी का इंप्लीकेशन क्या है। ये जो इक्विलाइजेशन लेवी है ये आपको 7 जुलाई 2022 तक जमा करना था और चूंकि आपने इक्विलाइजेशन लेवी को रेमिट किया है यहाँ पे 23-3-2023 तक, तो यहाँ पे डियर अब यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं दी गई है, क्वेश्चन में ये क्लैरिटी नहीं दी गई है कि ये जो आपने इक्विलाइजेशन लेवी रेमिट किया है सरकार को या आपने अपनी जेब से किया है, मतलब फ्रॉम योर ओन पॉकेट किया है, या आपने ये इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट कर लिया था बट यहाँ पर रेमिटेंस में आपने डिले कर दिया। तो यहाँ पे दो अजम्पशंस पॉसिबल हैं। पहला अजम्पशन क्या है कि आपने इक्विलाइजेशन लेवी अपने पॉकेट से रेमिट किया, मतलब आपने इक्विलाइजेशन लेवी जो आपने 3,00,000 रुपये पे किया आपने वहां से नहीं काटा, आपने कहा कि ठीक है साहब हम 18,000 रुपये अपनी जेब से सरकार को इक्विलाइजेशन लेवी के नाम का दे देते हैं। और दूसरा ये पॉसिबल है अजम्पशन कि आपने इक्विलाइजेशन लेवी काट लिया था बट आप उसको रेमिटेंस आपने जो है वो समय सीमा की बात किया। अच्छा तो सर इसका क्या इंप्लीकेशन हो जाएगा, इसके इंप्लीकेशन हो जाएंगे। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि आपने इक्विलाइजेशन लेवी अपने जेब से जमा किया है, तो आपने इक्विलाइजेशन लेवी अगर अपने जेब से जमा किया मीन्स आपने 18,000 रुपये अपने नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को पे करते समय डिडक्ट नहीं किया, तो साहब सेक्शन 40A1B जो है वो 3,00,000 रुपये का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेगा, तो आप इस 3,00,000 रुपये का बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज आप इक्विलाइजेशन लेवी आपने डिडक्ट नहीं किया। ठीक बात है। और दूसरा आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी और साथ में इंटरेस्ट का इंप्लीकेशन आएगा। अच्छा पेनल्टी कितना, अमाउंट विच यू हैव फेल्ड टू डिडक्ट, मतलब 18,000 रुपये सेक्शन 171 के हिसाब से पेनल्टी बन जाएगी। अच्छा फिर इंटरेस्ट आपका लग जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ डिले एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और पीरियड ऑफ डिले क्या है सर, जुलाई से लेके मार्च, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ भी काउंट हो जाता है। अच्छा दूसरा अजम्पशन क्या है कि आपने इक्विलाइजेशन भी काट लिया था, आपने इक्विलाइजेशन भी समय से काट लिया बट आपने उसको रेमिट किया है 23-3-2023 को, चूंकि आपने इस इक्विलाइजेशन लेवी को रेमिट कर दिया अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR, इसलिए यहां पे 40A1B का इंप्लीकेशन नहीं आएगा, मतलब 3,00,000 रुपए आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर आपको अलाउड रहेगा। पर हां यहां पे आपने दो गलतियां की, तो आपने साहब टाइम आपने जो वो टाइम इक्विलाइजेशन लेवी सरकार को जमा नहीं किया, तो अगेन यहां पे इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन आ जाएगा। ठीक बात है। तो जो भी आप अजम्पशन कंसीडर करते हैं डियर, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। और जहां तक पेमेंट की बात है LMF को, तो वहां पे आपको चूंकि इनका भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है इसकी वजह से इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, यहां पे आपको नॉर्मल TDS करना पड़ेगा सेक्शन 195 में। अगर आप नॉर्मल TDS नहीं करते हो उस सिचुएशन में 40A1 के हिसाब से आपको वो 4,50,000 रुपीज इस प्रीवियस ईयर में अलाउ नहीं होगा, फिर आप जिस प्रीवियस ईयर में TDS काट के सरकार को जमा करेंगे फिर आप उस प्रीवियस ईयर में उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात। अच्छा देखेंगे प्लीज डिस्कस द रिलेवेंट, तो क्या यहाँ पे गार अप्लाई करेगा, तो देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आपने अपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो प्रोडक्ट को ट्रांसफर किया है वो आपने ट्रांसफर किया है एट अ प्राइस सिग्निफिकेंटली लोअर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, तो सर इसके लिए ना स्पेसिफिक प्रोविजंस एप्लीकेबल मतलब प्रोवाइडेड है सेक्शन 10AA सबसेक्शन 9 में। तो यहाँ पे तो इस वाले प्रैक्टिस को रोकने के लिए SAR स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशंस ऑलरेडी है, तो फिर भी ये गार और SAR दोनों को एग्जिस्ट कर सकता है, तो आप चूंकि SAR से ये काम हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में हमें यूजुअली गार इन्वोक नहीं करना पड़ता, बट हाँ आपको एक लाइन यहाँ पे लिख देनी चाहिए थी कि गार और SAR कैन को एग्जिस्ट। अच्छा दूसरा है कि क्या ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट है FDR, ऐसे क्वेश्चंस फाइनल में आना चले अच्छी बात है, बट जनरली ये क्वेश्चन IPCC लेवल का था, बट चले इंस्टीट्यूट ने बड़ा दिल दिखाते हुए फाइनल में पूछ लिया। यहाँ पे आपने 2,40,000 रुपये अपने ट्रैवल एक्सपेंसिस में इंकर किया है फॉर द सेल्फ और एनी अदर पर्सन, और अगर आपने 2,00,000 रुपये से एक्सीड कुछ भी अमाउंट अगर आपने फॉरन ट्रैवल में इंकर किया है, तो Rule 12EB के हिसाब से जहां तक मुझे याद आता है Rule 12EB बोलता है कि उस सिचुएशन में आपको अपना ITR फाइल करना पड़ेगा, ऑल्दो आप अपना ITR फाइल करने के लिए लाइबल नहीं भी थे तो भी आपको अपना ITR फाइल करना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो रूल 12 बी के हिसाब से आपको अपना एटीआर फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मिस्टर बी है जिनका टोटल टर्नओवर 73 लाख रुपीज है और इनकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो 2.10 है। तो भले इनकी इनकम जो है वो बिजनेस से वो बिलो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से, पर चूंकि इनका टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा है इसलिए इनको अपना एटीआर फाइल करना पड़ेगा रूल 12 बी के हिसाब से। ठीक बात है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स ने डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी को के प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया। डायरेक्टर्स ने कहा कि सर जी हमें तो सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस नहीं दिया गया। तो यहाँ पे एक बहुत पुराना केस लॉ है डियर। अब चले, अब इंस्टीट्यूट अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर मैं आपको थोड़ा सा केस लॉ के बारे में बता दूं। यहाँ पे एक बहुत पुराना केस लॉ है श्री हरदीप सिंह वर्सेज ITO 1987 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, जहाँ पे हाईकोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 179 वाले केस में, क्योंकि लाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 179, उस केस में रिकवरी करने के लिए 156 के नोटिस को अलग से देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर ने 156 का नोटिस उनको सर्व नहीं किया, इसके बावजूद वो जो अटैचमेंट है डेट इज लीगल, वो ये कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, सीबीसी रिपोर्ट नॉट रिक्वायर्स मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये बात गलत है। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान 13 जो री एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट, वो क्लियरली बोलता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को या मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस को अपने एनुअल रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो आपके लिए रेफरेंस के लिए आप क्या लिख सकते हैं, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान आर्टिकल, मतलब बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान 13 री एग्जामिनिंग ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसके बाद व्हाट आर द थ्री बेसिक फंडामेंटल पिलर्स ऑफ BEPS एक्शन प्लान, एक साहब कोहरेंस, सब्सटेंस और ट्रांसपेरेंसी। चलिए, अच्छी बात है। तो डियर, ये पेपर डेट दिस पेपर वाज ओवरऑल इजियर कंपेयर टू द लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स पेपर। तो चले फिर, अच्छी बात है, जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ सबको बेस्ट विशेस और आप अपना IDT अच्छे से प्रिपेयर करें। तो फिर हमने आपका ज़्यादा टाइम तो कोशिश की है कि हमने नहीं लगाई, बट एनी हाउ हमने इसका एक सॉल्यूशन देखा जो कि आपका होना चाहिए था। बाकी सबको बाय बाय।